मैं एक आपको मैजिक दिखाना चाहता हूं कि अगर आप अपने पेपर पेन से लिखें 13837 इंटू योर एज इंटू 73, तो इफ यू मल्टीप्लाई 13837 इंटू योर एज इंटू 73 करेंगे तो चमत्कारी आंसर आएगा। मैथमेटिक्स से आज के बाद कोई बच्चा नहीं होएगा बोल भी। हैप्पी बर्थडे पूछिए, कोई भी एनिवर्सरी, कोई भी डेट, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक लगातार पूछिए, 17 जुलाई। गणेश जी की स्तुति करता हूँ, शारदे मैया को नमन करता हूँ, वाहेगुरु जी को याद करता हूँ, पलकें झुकाकर मैं आप सभी का छोटा भाई सौरभ जैन पुणे पुणे आप सभी का, सबसे पहले तो जॉली अंकल जी हैं हमारे, जिन्होंने अभी तक 42 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी हुई हैं, और द ग्रेट राइटर, द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं जॉली अंकल जी से जब मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। पाजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं अपने बारे में 2 लाइन यही कहना चाहता हूँ कि चल रहा है इस कमरे का फैन, आने वाली है सुबह सुबह हमारे स्कूल की वैन, कभी कभी बच्चे हो जाते हैं गर्मी में बेचैन, आप सबके पास है सोने की चैन, मेरे पास है इतना बड़ा एक पेन, हमारे घर में रखी दूध की कैन, और मेरा नाम है गणित कवि सौरभ जैन। बच्चों बात चाहे मैथ की हो या बात चाहे वैदिक मैथ की हो या बात चाहे एबेकस की हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स की ये 2 लाइनें हमें हमेशा लाइफ में उतारनी ही चाहिए कि अपने आत्मविश्वास को प्लस करो तो अपने गुस्से को माइनस करो, अपने कठिन परिश्रम को मल्टीप्लाई करो तो अपनी परेशानियों को डिवाइड करो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्लस करो तो अपने हाई टेंपर को माइनस करो, अपने हार्ड वर्क को मल्टीप्लाई करो तो अपनी डिफिकल्टीज को डिवाइड करो, और अगर बनना चाहते हो अपने जीवन में महान, अगर पाना चाहते हो अपने जीवन में कामयाबी की ऊंचाइयां, तो अपने आज के काम को आज ही पूरा करो। स्वामी विवेकानंद जी से लेकर माननीय जॉली अंकल जी तक, और माननीय जॉली अंकल जी से लेकर भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तक, ये देश दुनिया में जो भी महापुरुष हैं, जब इन सभी का विद्यार्थी जीवन देखा गया तो 3 कॉमन हैबिट सब में पाया गया। मेरा यह मानना है कि अगर हमारे देश के युवा, अगर हमारे देश के सभी मेरे छोटे भाई बहन ये 3 कॉमन हैबिट्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो वो बन जाते हैं महान, उनके जीवन में लग जाते हैं 4 चांद, वो सभी के चहेते बन सकते हैं, वो बन सकते हैं लाइफ मैजिशियन। तो वो 3 कॉमन हैबिट्स क्या है वो मैं आपको मात्र 3 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे छोटे भैया बहनों, मेरे सभी दोस्तों, ये 3 वो कॉमन हैबिट्स हैं जो देश दुनिया की सारी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज ने अपने स्टूडेंट लाइफ में इंप्लीमेंट करी। तो नंबर 1 है गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। कभी आसमान में थूकने का प्रयास करो, हमारा ही चेहरा गड़बड़ हो जाएगा। मैंने ऐसे करा, 3 उंगली मेरी तरफ है बट 1 उंगली आपकी तरफ है। कभी आप नाले पे ईटा फेंकोगे तो पत्थर जो छींटे हैं वो हमारे ऊपर आएंगे। तो ये सारी बातें बार बार हमको क्या कहना चाह रही है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। और जब बच्चे गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट को फॉलो करते तो मैं ये देखता हूं उनको लाइफ में ऐसी ऐसी जगह बेनिफिट्स मिल जाते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन कभी कभी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का हमारा जो युवा है, आज का हमारा जो स्टूडेंट है, वो इसका उल्टा फॉलो कर रहा है। वो क्या कर रहा है, गिव डिसरिस्पेक्ट टेक डिसरिस्पेक्ट। तो अगर आप अपने घर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में या स्कूल में गलती से भी ये गलती कर रहे हैं, गिव डिसरिस्पेक्ट और टेक डिसरिस्पेक्ट की, तो इसको अभी सुधारें, मेरी इन 4 शब्दों को गांठ बांध दें, क्योंकि आप बन जाओगे उससे लाइफ मैजिशियन। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। नंबर 2, ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी एक्टिव एंड डू डेली बात। शुक्राना, जितना ज्यादा हम धन्यवाद कहें उतना ज्यादा कम है, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा ने, उस वाहेगुरु जी ने हमें जो भी दिया है, हमारी हैसियत से ज्यादा हम सबको दिया है। अरे छोटी छोटी बातों से बाहर निकलो, मम्मी ने सब्जी में नमक कम डाला, कोई बात नहीं। पापा जी रात को गलती से किताब लाना भूल गए, कोई बात नहीं। बड़े भाई ने बाजार से ब्रेड लाने से मना कर दिया, कोई बात नहीं। छोटी बहन ने गलती से मेरे कमरे में पानी फैला दिया, कोई बात नहीं। अम्मा बाबा ने बिना मुझसे पूछे मेरी कॉपी के 4 पन्ने निकाल लिए, कोई बात नहीं। घर में 2 की जगह 5 मेहमान आ गए, कोई बात नहीं। सुबह को नाश्ता थोड़ा सा कम मिला, कोई बात नहीं। दोपहर के लंच में मेरे मनपसंद की सब्जी नहीं मिली, कोई बात नहीं। शाम को मेरा पड़ोसी दोस्त मेरे संग खेलने नहीं आया, कोई बात नहीं। रात का डिनर 7 बजे की जगह 9 बजे मिला, कोई बात नहीं। मेरी क्लास में मेरे टीचर ने मेरी गलती पर मुझको 2 झप्पड़ लगा दिए, कोई बात नहीं। अरे परमपिता परमात्मा ने हमें जो भी दिया है, हमारी हैसियत से ज्यादा हम सबको दिया है। तो हमें अपना फोकस, हमें अपनी एनर्जी कंप्लेंट करने की जगह बिलीव करने में, एक्शन लेने में, धन्यवाद देने में लगानी है। एंड ऑलवेज बी एक्टिव। ये देश दुनिया के सारे महापुरुष जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या काम कर रहे हैं, 19 घंटे काम 5 घंटे आराम। लेकिन शायद अभी आप बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं, तो अभी आप सबके लिए कुछ वर्षों के लिए 2 घंटे की छूट है। सबका प्यार पाना है, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के सपनों को साकार करना है, अपने महान भारत देश को 2047 से पहले ही विश्वगुरु बनाना है। अपने जीवन में आपको अगर अमीर, समृद्ध और खुशहाल बनना है, एक ही फॉर्मूला है बेटा उसका, 17 घंटे काम और 7 घंटे आराम। एंड डू डेली बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ना चलेगा तुम्हारा कोई बहाना, बहुत प्यार करते हैं हमसे हमारे नाना। बेटा अच्छे काम करने में कभी ना शर्माना, गलत काम करने से हमेशा घबराना, ऐसे ही मन मन मुस्कुराना,
रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाना, सुबह जैसे ही जल्दी उठो धरती माँ के शीश नवाना, स्कूल टाइम पे आना, कैसा भी हो मौसम कैसी भी हो तबीयत, डेली 2 बाल्टी पानी से कंपलसरी नहाना। आपने किया है इन सारी बातों को लाइफ में धारण करने का वादा, अपने लिए जोरदार ताली बजाना। बच्चों मेरी तीसरी बात है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको अपने जीवन में अमर बनना है, अगर आपको अपने मानव जीवन को संपूर्ण सार्थक बनाना है, अगर आपको अपने आप को भारत माँ की सेवा में नौछावर कर देना है, अगर आपको सचमुच अपने भारत माँ की सेवा के अलावा अपने माता पिता अपने गुरुजनों का नाम देश दुनिया में रोशन करना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देश दुनिया की सारी सक्सेसफुल और सारी हैप्पी पर्सनैलिटीज ने ये तीसरी बात शिद्दत से अपने जीवन में उतारी, और वो है पाना है तो देना सीखो, डेवलप गिविंग एटीट्यूड। क्योंकि जब हम देते हैं तो देने से हमारे जीवन का निर्माण होता है, और जब हम लेते हैं तो लेने से हमारा केवल पेट भरता है। अब आपके मन में एक ही बात है, सौरभ भैया दूर दिल्ली पीतमपुरा से आकर इस कैमरे के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो सकता है आप पैसे भी कमा रहे होंगे, लेकिन हम तो बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं, हम तो पैसे नहीं कमा रहे। अरे भला जब हम पैसे नहीं कमा रहे तो हम किसी को क्या दे सकते हैं? आप किसी को पैसे नहीं दे सकते बच्चों, कोई बात नहीं, अरे आप मीठा तो बोल सकते हो, या आप मीठा भी नहीं बोल सकते, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप हो शीतल हो। अरे इतना मीठा बोल दो कि शक्कर भी शर्मा जाए, मैं किसके मुंह में घुल गया, वचने का दरिद्रता। अरे मीठा बोलने में कुछ पैसे खर्च होते हैं क्या आपके? जब क्लास में टीचर पढ़ाएं तो शांति का दान तो दे सकते हो, हर समय अपने चेहरे पे ये बड़ी सी स्माइल कर रख सकते हो। मेरी थाली में 5 जलेबी हैं, साथ में मेरी माँ बैठी हुई है, खुद खाओ 2 जलेबी और अपनी माँ को खिलाओ 3 जलेबी। मेरे पास 2 कटोरी खीर है, साथ में मेरे बाबूजी बैठे हुए हैं, खुद खाओ छोटी कटोरी खीर और बाबूजी को खिलाओ बड़ी कटोरी खीर। मेरे पास 2 आम है, साथ में मेरा भाई बैठा हुआ है, खुद खाओ छोटा आम और अपने भाई को खिलाओ बड़ा आम। मेरे पास 2 कटोरी खीर है, साथ में मेरी बहन बैठी हुई है, खुद खाओ छोटी कटोरी खीर और बहन को खिलाओ बड़ी कटोरी खीर। मेरे पास 11 है पार्ले जी के बिस्कुट हैं, साथ में मेरा दोस्त बैठा हुआ है, खुद खाओ 5 पार्ले जी के बिस्कुट और दोस्त को खिलाओ 6 पार्ले जी के बिस्कुट। मेरे पास 2 समोसे हैं और दोनों समोसे मुझे ही खाने हैं, अचानक से 2 मेहमान मेरे घर पे आ गए, वो दोनों समोसे उन दोनों मेहमान को खिला दो, वो मना करेंगे आपसे उस समय, फिर भी उन्हें खिलाओ आग्रह पूर्वक और खुद मटके का पानी पी के रह जाओ, उस समय क्या मिलेगी आपको? तकलीफ। बट बिलीव मी आफ्टर 22 मिनट्स आपको मिलेगी रियल हैप्पीनेस, आपको मिलेगी मन की वैक्सीनेशन। गमलों में पानी डाल दो, पेड़ पौधों की सिंचाई कर दो, मम्मी जी के पास किचन में जाके उनकी हेल्प कर दो, अरे रात को पापा जब घर लौटे बिना बोले उनके पैर दबा दो, बिना बोले उनको 1 गिलास पानी सर्व कर दो, बड़े भैया के लिए बाजार से ब्रेड ला दो, छोटी बहन को थोड़ी थोड़ी स्टडी करा दो, रात में अम्मा बाबा के पास बैठकर बहुत सारा टाइम स्पेंड कर लो, जब भी घर में कोई गेस्ट आए उनके सत्कार में अपने आप को बिछा दो, ताऊ जी के 2 नहीं 12 काम निपटा दो, शाम को चाचा जी को 1 कप चाय बना के पिला दो, अंधे को राह पार करा दो, भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, अरे किसी गरीब की यथासंभव मदद कर दो। मेरी क्लास में कोई बच्चा लंच लाना भूल गया, 12 दोस्त इकट्ठे होके उसको थोड़ा थोड़ा लंच करा दो, गाय माता को रोटी खिला दो, कुत्ते जी को बिस्कुट खिला दो, आटे में चीनी मिलाकर चींटे चींटियों को खिला दो, मछली को आटे की गोली खिला दो, परिंदों को पानी पिला दो, अपने स्कूल की फीस टाइम पे जमा कर दो, रात को जल्दी सोके सुबह जैसे ही जल्दी उठो धरती माता के पैर छू लो। जो घर में बड़े हैं जो स्कूल में टीचर्स हैं, अरे उनके भी दोनों हाथों से पैर छू लो, क्या कहा आप गर्ल्स हैं, कोई बात नहीं उनके सामने मत्था नवा दो, और थोड़ा समय वाहेगुरु जी को भी याद कर लो, थोड़ा समय परमपिता परमात्मा का भी सुमरण कर लो। इतनी सारी बातें मैंने आपको बातों बातों में बता दी। अरे भैया बिजली पानी जहां भी फालतू चलता दिखे उसको तुरंत बंद कर दो, हो सके तो जल्दी जल्दी एक पेड़ लगा दो, पर्यावरण को बचाने के लिए जितने ज्यादा उपाय आप कर सकते हैं वो कर दो। कितनी सारी बातें हैं जिसको करने में आपके पैसे खर्च नहीं होते, लेकिन आप बन जाते हो महान, आपके जीवन में लग जाते हैं 4 चांद। तो ये मेरी संस्कारशाला का एक छोटा सा पार्ट है जो मैंने आपके बीच में संक्षिप्त में रखने का प्रयास किया। संस्कारशाला में हम स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर एनजीओ में जाकर सुबह सुबह जो मॉर्निंग असेंबली होती है वहां पे 19 मिनट में हम यही 3 बातें रखते हैं। इसके अलावा जो हम क्लासरूम इंटरेक्शन करते हैं उसमें हम हैप्पीनेस वर्कशॉप बच्चों के लिए कंडक्ट करते हैं। हैप्पीनेस वर्कशॉप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 थिंग्स, मैथ्स, मैजिक, म्यूजिक, मोटिवेशन एंड मॉरल वैल्यूज। अब ये मैजिक और म्यूजिक क्या है, यहाँ पे कुछ बच्चों की क्लास है 7 और आप मुझे इतना ध्यान से सुन रहे हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आएगी आपकी बड़ी याद, आपके स्कूल में जल्दी आके करूंगा आपसे मुलाकात। प्रभु ने दिया हमें 2 हाथ, हमेशा बनाओ मीठी मीठी बात, निभाएंगे एक दूसरे का साथ, सेवा करोगे बड़ों की तो मिलेगा आशीर्वाद, ताली बजा दो एक बार। तो आज भी याद आते हैं मुझे मेरे डियर दादू, चलो आपको दिखाते हैं मैथ्स का एक महाजादू। मेरे पास कैलेंडर है 2024, बस मत मचाओ अब ज्यादा क्लास में शोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, घर में गेस्ट आए तो भाग के खोलो घर का डोर, मैथमेटिक्स से आज के बाद कोई बच्चा नहीं होएगा बोर। तो ये कैलेंडर मेरे मित्र है हर्ष जी जो पत्रकार हैं पेशे से, सर कोई भी हैप्पी बर्थडे पूछिए, कोई भी एनिवर्सरी, कोई भी डेट 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक लगातार पूछिए, 17 जुलाई मैं उसका डे बताऊंगा पलक झपकते ही, बिना कैलेंडर 17 जुलाई वेनसडे, आपको भी कैलेंडर में चेक करना, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। 6 नवंबर वेनसडे, 1 अक्टूबर ट्यूजडे,
27 फरवरी ट्यूजडे, 30 अप्रैल ट्यूजडे, 8 मई वेनसडे, 17 दिसंबर ट्यूजडे, 3 सितंबर ट्यूजडे। तो क्लैपिंग कर दो एक बार, सारे आंसर ठीक है। तो ये मैंने मैजिक नंबर ए दिखाया आपको। इस तरह से मैथमेटिक्स में ए से लेकर जेड तक वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करके हमने 26 मैजिक डिस्कवर किए हैं विद मॉरल वैल्यूज। ए स्टैंड्स फॉर एप्पल तो है, बट ए का मतलब है अवॉइड वेटिंग फॉर टुमारो। बी माने बॉय तो हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बी का मतलब है बी रेगुलर, बी पंक्चुअल एंड बी पॉजिटिव। तो इसको हम ए से लेकर जेड तक मैथ के 26 मैजिक हमने डिस्कवर किए हैं। वैदिक मैथ क्या है, ये अपने पास एक बुक है, हाउ टू बिकम अ ह्यूमन कैलकुलेटर। मैंने कुछ यूनिक इसमें यही किया है कि जो बच्चा या जो बड़ा वैदिक मैथ और मेंटल मैथ को प्रॉपर तरीके से सीखना चाहता है तो वो ये बुक ले ले, हाउ टू बिकम अ ह्यूमन कैलकुलेटर। इसमें जो भी चैप्टर है हमने उसकी 3-3 मिनट की वीडियो बना रखी है, लिंक में आपको हमारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इस बुक के हेल्प से हमने वैदिक मैथमेटिक्स मेंटल मैथमेटिक्स को 4 लेवल में डिवाइड कर दिया, दैट इज लेवल 1 लेवल 2। तो ये वर्कबुक है, और हमारी वर्कबुक की खास बात ये, हमने इनमें एग्जांपल्स भी डाले हैं और बहुत सारे सम्स भी डाले हैं प्रैक्टिस के तौर पे, और साथ में स्पीड टेस्ट पेपर लेवल 1, 2, 3, 4 वो भी है। तो ये टोटल हमने 4 लेवल में वैदिक मैथ मेंटल मैथ को डिवाइड किया है। वैदिक मैथ मेंटल मैथ अगर कोई सीखता है तो उसके कंपटीशन में एंट्रेंस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। साथ में आजकल बच्चे टीवी मोबाइल में लगे रहते हैं, तो ये रूबिक क्यूब है, इसको भी मैं सिखाता हूँ 3x3, 2x2 और सिलेंडर क्यूब एंड ये पिरामिड क्यूब। तो ये 4 तरह के क्यूब है, अगर कोई बच्चा या बड़ा इनको सीखता है तो हम इसकी जितनी बातें मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम इसकी स्टूडेंट ट्रेनिंग भी करते हैं, टीचर ट्रेनिंग भी करते हैं, ऑनलाइन तरीके से भी करते हैं, ऑफलाइन तरीके से भी करते हैं। अबेकस है, वैदिक मैथ है, मेंटल मैथ है, हैप्पीनेस है, रूबिक्स क्यूब है, और साथ में ये हैंडराइटिंग है। हैंडराइटिंग में अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो हमने इस तरह की साइंटिफिक हैंडराइटिंग की वर्कबुक बनाई है, बस आपको डेली के 2 पेज भरने हैं। तो अगर आप नियम से डेली के 2 पेज इन्हीं वर्कबुक के अंदर भरते हैं, हम साथ में 2 पेन भी दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री आपको ये सुंदर से फोल्डर के साथ। तो जब आप 2 पेज भरते भरते ये तीनों वर्कबुक पूरी कर लोगे तो मेरी गारंटी है आप साइंटिफिक तरीके से अपनी हैंडराइटिंग को बहुत अच्छा कर पाएंगे। और डेफिनेटली किसी की हैंडराइटिंग अगर अच्छी हो जाती है तो वो उसका जीवन भर काम आती है। और बात भी सही है कि अगर हैंडराइटिंग अच्छी है तो वो ईच एंड एवरी एग्जाम में हमारे मार्क्स भी एनहांस करती है। तो जाते आते मैं एक आपको मैजिक दिखाना चाहता हूं कि अगर आप अपने पेपर पेन से लिखें 13837 इंटू योर एज इंटू 73, तो इफ यू मल्टीप्लाई 13837 इंटू योर एज इंटू 73 करेंगे तो चमत्कारी आंसर आएगा। हमारे बीच में सरस सर है जो एजुकेशनिस्ट हैं और रियल एस्टेट में भी सर का अच्छा खासा तजुर्बा है। जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला ऑनरेबल सरस सर के सामने बोला तो सरस सर ने अपने मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल के उसको कैलकुलेट कर लिया। तो 13837 इंटू योर एज इंटू 73, यहाँ पे सरस सर की एज 40 है, तो 13837 इंटू 40 इंटू 73 जब सरस सर ने किया तो आंसर क्या आया? अब क्या आंसर आया, ये क्यूरियोसिटी बनी रहने दो, आप खुद करके देखें। आई रिपीट अगेन, 13837 इंटू योर एज जो भी आपकी एज है 20, 21, 12, 13, 14 इंटू 73। सो इफ यू मल्टीप्लाई दीज 3 टर्म्स 13837 इंटू योर एज इंटू 73 ऑलवेज यू विल गेट चमत्कारी आंसर। और दोस्तों मैं आप सभी से जाते जाते यही कहना चाहता हूं कि ऐसा हमें बनना है और ऐसा ही बनना हमारी लाइफ का टारगेट होना चाहिए कि होगी किसी की तमन्ना सितारों को पाने की, हमारी तो चाहते हैं सितारा बन जाने की। होगी किसी की तमन्ना सितारों को पाने की, हमारी तो चाहते हैं सितारा बन जाने की। और चाहता होगा कोई किसी को दिल में बसाना, हमारी तो चाहते हैं सबके दिल में बस जाने की, हमारी तो चाहते हैं सबके दिल में बस जाने की। एंड कई साल पहले हम सभी की क्लास थी 7, आप सभी ने इतनी शिद्दत से मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जौहरी अंकल जी, मैं आपके स्टूडियो पे आया हृदय की गहराइयों से आपको बहुत 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 धन्यवाद। मुझे बहुत दिनों से आ रही थी आपकी बड़ी याद, फाइनली सरस सर और हर्ष जी के सहयोग से मैंने कर ली आपसे मुलाकात। ऐसे ही बनाएंगे हमेशा मीठी मीठी बात, निभाते रहेंगे ऐसे ही एक दूसरे का साथ। सुबह खाता हूं मैं कड़ी भात, शायद बाहर हो चुकी है रात, और सेवा करेंगे तो बड़ा भी तो मिलेगा आशीर्वाद। यहाँ पे कुछ बच्चों की हो सकता है क्लास हो 10, अच्छे काम में रज, बुरे काम से बच, बोलो हमेशा सच, खीर में डालो खस खस, चाय के साथ खाएंगे रस। अगर जीवन में आपको ज्यादा खुश रहना है तो छोटी छोटी बातों में दिल खोल के हास। और आप सभी का ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेड जॉली अंकल जी का, भैया जी का, सरस सर का, हर्ष जी का, आज के सुंदर से भी सुंदरतम दिन का, भूमि से लगनी गगन वायु का, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का बहुत 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 आप सभी का थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।